अबाउट 17 हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. वी हैड टॉक्ड अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोरीन, HCl एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द क्लोरीन गैस. ठीक है, फर्स्ट इज द प्रेपरेशन. ठीक है, क्लोरीन गैस का नाम क्लोरस इज अ ग्रीक वर्ड, उससे पड़ा है. क्लोरस मीन्स ग्रीनिश येलो, तो उसके कलर के पीछे ही उसका नाम पड़ गया क्लोरीन. ठीक है, प्रेपरेशन, लैब प्रेपरेशन, जो ओरिजिनली जब ये डिस्कवर की गई थी कैसे की गई थी, मैंगनीज डाइऑक्साइड वाज हीटेड विद HCl टू गिव यू क्लोरीन गैस. ठीक है, बट नाउडेज इंस्टेड ऑफ HCl हम NaCl एंड H2SO4 का मिक्सचर यूज करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन. उसके बाद द सेकेंड मेथड इज दैट HCl कैन बी ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट, वहाँ से भी आपको क्लोरीन गैस मिलेगी. ओके, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इक्वेशन कंप्लीट करने को आ सकती है. ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चर, यस MCQ आ सकता है. क्लोरीन मैन्युफैक्चर डीकन प्रोसेस है, नाम पता होना चाहिए. कैसे होता है, HCl गैस की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड CuCl2 और आपको क्लोरीन मिलती है. एंड ये सेकेंड मेथड आपने किया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने NaCl एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, जिसमें आपके पास एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है. ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फर्स्ट वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको कुछ ABCD टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने गेस करने होते हैं रिएक्टेंट्स. तो समटाइम्स अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं भी याद आ रहा, तो आप उसकी अपीयरेंस, ऑर्डर वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ठीक है, सो ग्रीनिश येलो, क्लोरस वर्ड का मीनिंग ही ये है. ठीक है, पंजेंट है, सफोकेटिंग स्मेल है, इट्स पॉइजनस, हेडेक हो सकता है ओवर एक्सपोजर. ठीक है, इट कैन बी लिक्विफाइड एट 239 केल्विन. ठीक है, कोई चीज़ 239 केल्विन पे गैस से लिक्विड बन रही है, तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, 239 केल्विन. ठीक है, 2.5 टाइम्स हेवियर दैन एयर. ठीक है, उसके बाद इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. इसके हम सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को, क्लोरीन वाटर. एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका बोर्ड्स में कि गिव रीजंस में कि क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग. ठीक है, ऐसा क्यों है कि जब आप क्लोरीन को पानी में डिसॉल्व करो तो काफी देर के, थोड़ी देर के बाद, सॉरी, इट लूजेस इट्स कलर. ठीक है, वो येलो से कलरलेस हो जाता है. इसका क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl, हाइड्रोक्लोरिक. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. ठीक है, तो इन दोनों के बनने की वजह से इट लूजेस इट्स कलर. ठीक है, उसके बाद इट इज आल्सो सॉल्युबल इन CCl4. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. लेट्स स्टडी सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. लेट्स लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इक्वेशंस कंप्लीट करने को आती हैं और 100% आती हैं. ठीक है, so the first is it is reacting with metals as well as non-metals to form chlorides. बहुत simple सी equations हैं, जैसे aluminium plus chlorine AlCl3, Na plus Cl NaCl. ठीक है, then phosphorus plus chlorine PCl3. ठीक है, बहुत simple है, आपने बस याद करनी है. उसके बाद it has a great attraction for hydrogen. directly hydrogen से react करके भी HCl बनाता है, hydrogen containing compound से भी react करता है और HCl बनाता है. ठीक है, so here this is an equation for H2NCl2, hydrogen chlorine gas combine करके HCl बना रहे हैं. this is a hydrogen containing compound H2S gas, hydrogen sulfide, उससे react करके HCl बना रहे हैं. यहाँ पे एक hydrocarbon का example है, chlorine gas reacts with a hydrocarbon to give you HCl and carbon. ठीक है, right, so now let's look at some more properties. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके पेपर्स में कंप्लीट करने को आई है, क्योंकि यहाँ आपने रिएक्शन कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखने हैं. ठीक है, अगर क्लोरीन गैस कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये क्या बनाती है, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड. हाइपोक्लोराइड आयन कौन सा होता है, CLO नेगेटिव. ठीक है,
सो दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. लेकिन यही Cl2 अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से रिएक्ट कर रही है तो ये क्या बनाती है, क्लोराइड एंड क्लोरेट. क्लोरेट आयन क्या है, ClO3 नेगेटिव. सो इट्स मेकिंग NaClO3 सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, CaO2 और ट्वाइस कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंटू टू वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, राइट. उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ. ठीक है, अब अगर आपका हाइड्रोकार्बन इज अब आ जाते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. इफ यू हैव अ एल्केन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो क्या होएगा कि ये हाइड्रोजन की जगह लेगी. ये हमने रिएक्शन 10th में भी किया है, तो यहाँ क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली. अगर एक्सेस में यूज करोगे तो इसके आगे क्या बन जाएगा, CH2Cl2, फिर क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड फाइनली क्या बन जाएगा, CCl4. अगर हमारे पास एल्कीन या एल्काइन है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या होता है, ट्रिपल या डबल बॉन्ड टूट जाता है और क्लोरीन उसमें ऐड हो जाती है. तो किस तरह का रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन होता है, हाइड्रोजन की जगह लेती है, और अनसैचुरेटेड में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड, और ये वहां जाके ऐड हो जाती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बन गया, 1,2-dichloroethane. क्लियर है, सो दिस इज द रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन गैस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड अ ब्लीचिंग एजेंट. ठीक है, हमने पहले भी किया, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड, एंड फर्दर इट हाइपोक्लोरस एसिड ब्रेक्स डाउन टू गिव HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन. तो अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखो, ठीक है, तो ये और ये कट गया, तो क्या बचा, क्लोरीन प्लस वाटर इज गिविंग यू 2HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन. सो बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने सल्फर डाइऑक्साइड का बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट का बन गया फेरिक सल्फेट. इक्वेशंस कंप्लीट करने को 100% आ सकती हैं. सोडियम सल्फाइड का बन गया सोडियम सल्फेट, आयोडीन का बन गया आयोडिक एसिड. ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो अ गुड ब्लीचिंग एजेंट. सेम रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो नेसेंट ऑक्सीजन. सो इसका ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से नहीं है, जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर. सो क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन गैस इज नॉट अ ब्लीचिंग एजेंट बट इन वाटर. ठीक है, जब मॉइस्चर के साथ या पानी के साथ ये रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ब्लीचिंग एक्शन कर रही है. ठीक है, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए हैं, एक है कि ड्राई क्लोरीन गैस इज नॉट अ ब्लीचिंग एजेंट, व्हाई, बिकॉज ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन. और नेसेंट ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, जब क्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है. नंबर टू क्वेश्चन आया हुआ है आपका, डिफरेंस इन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड SO2. ठीक है, SO2 हमने पढ़ा था, ब्लीचिंग इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन, और जब वो एटमॉस्फेयर से कलर्ड पार्टिकल से एक्सपोज होता है तो क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और वो वापस कलरलेस से कलर्ड हो जाता है. ठीक है, राइट. वेयर एज क्लोरीन में ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड दिस इज परमानेंट, SO2 में टेम्पररी था. सो दैट इज द डिफरेंस इन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड SO2 गैस. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया. बहुत बार ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है. ठीक है, राइट. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड क्लोरीन. ठीक है, अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा एंड नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ आई टेक क्लोरीन इन एक्सेस देन आई एम गोइंग टू गेट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड व्हिच इज एन एक्सप्लोसिव NaCl3 दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से प्लीज नोट इट डाउन, लर्न इट बाय हार्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, क्लोरीन गैस इज यूज फॉर ब्लीचिंग, हमने पढ़ा. किसके लिए ब्लीच कर सकते हैं, वुड पल्प को ब्लीच कर सकते हैं अगर हमने पेपर बनाना है या रेयॉन बनाना है.
कॉटन को ब्लीच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम में यूज होता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप देख रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। देन इट इज यूज फॉर स्टेरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इवन स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन गैस डाली जाती है उसको स्टेरलाइज करने के लिए पानी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइजनस गैसेस इससे बनती है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार आया हुआ है, NDA में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो पॉइजनस गैसेस लाइक फॉस्जीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है मस्टर्ड गैस का, ठीक है, राइट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ क्लोरीन गैस। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीनवाइल नोट दिस डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यस, ठीक है। इसकी सबसे पहले लैब प्रेपरेशन देखते हैं, इक्वेशन कंप्लीट करने को आ सकती है, कैसे बनता है। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है एंड इट इज हीटेड। सो फर्स्ट यू गेट सोडियम बाइसल्फेट एंड देन इट्स फर्दर हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर एंड यू गेट सोडियम सल्फेट एंड HCl गैस, ठीक है। और इसमें HCl गैस को फिर ड्राई कैसे कर सकते हो, ड्राइंग एजेंट हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड हेवियर दैन एयर, ठीक है, नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट यहाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इक्वेशन कम्प्लीट करने को आ सकती है। लेट्स लुक एट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, HCl हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है, हमारे स्टमक में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे स्टमक का मीडियम एसिडिक बनाती है, नहीं तो खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला है इसका लिटमस, जो आपकी ड्राई HCl गैस है, ठीक है, इट हैज नो एक्शन ऑन लिटमस, ठीक है, बट जो मॉइस्ट है, दैट इज since we have already discussed it's highly soluble in water, तो फटाफट atmospheric moisture को absorb कर लेती है, ठीक है। so it is acidic, highly acidic in nature, ठीक है, it turns blue litmus red, ठीक है। उसके बाद है reaction with water, पानी के साथ क्या reaction होगा, it is going to react with water to form, now this is रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज 10^7। सो यू सी द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज वेरी हाई, सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया, क्या बनता है, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर HCl गैस, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर अमोनिया, इट फॉर्म्स डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्वा रिजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वा रिजिया का फॉर्मूला क्या है, एक्वा रिजिया इज नॉट नाइट्रोसिल क्लोराइड, दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, इट्स NOCl प्लस H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन है जो सजा के गड़बड़ करती है, एक्वा रिजिया एक बहुत कोरोसिव मिक्सचर है विच कंटेन्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो 3:1, ये इतना कोरोसिव है कि ये आपके गोल्ड और प्लैटिनम को भी पूरा गला देता है, ठीक है। सो यहाँ दिया हुआ मैंने इक्वेशंस दी हुई हैं आयनिक रिएक्शंस, हाउ इट रिएक्ट्स विद गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। सो वंस अपॉन अ टाइम पहले ये फेरी वाले घूमते थे एक्वा रिजिया लेके एंड दे यूज टू से कि हम आपके ऑर्नामेंट्स को चमका देंगे, तो व्हाट दे यूज टू डू, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स को या प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स को एक्वा रिजिया में डिप कर देते हैं, तो कुछ जो गोल्ड या प्लैटिनम है वो जो है वो रिएक्ट कर जाता है और आपका ऑर्नामेंट्स में से कुछ घुल के उस सॉल्यूशन में चले आता है, एंड देन दे डोंट थ्रो दैट मिक्सचर, सो लेटर ऑन एट देयर प्लेसेस उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और वो उसमें से गोल्डन प्लैटिनम की चोरी करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ ह्यूज गैंग, तो कभी कोई आपको कहे कि आपके ऑर्नामेंट्स क्लीन कर सकते हैं विद सम केमिकल, अवॉइड इट, ठीक है, राइट। सो दिस इज इट, लेट्स लुक एट सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, मीनवाइल टेक अ स्क्रीनशॉट। तो
ओके देन इट रिएक्ट्स विद सॉल्ट्स ऑफ सम वीकर एसिड्स, ठीक है, जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स के साथ, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एडिशनल बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, H2O प्लस CO2. या आपको जनरल रूल याद रखना है, ठीक है, सो यू गेट अ सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2. और सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो यू गेट सॉल्ट H2O एंड SO2, ठीक है. उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इज अगेन अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HCl, ठीक है, कि अगर आपके पास एक गिवन लिक्विड है उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालो, इफ़ यू गेट वाइट PPTs दैट इज AgCl, देन दैट इज कंफर्म दिस इज HCl, ठीक है. सो दैट फिनिशेज द केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स गो ऑन टू द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, सो नाउ दीज आर सम ऑफ द यूजेस. इट्स यूज इन डाइंग, कैलिको प्रिंटिंग, टैनिंग, ठीक है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं, हमारी क्लोरीन गैस बनती है इससे, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज, कॉर्नस्टार्च से बनता है, ठीक है. उसका HCl की प्रेजेंस में कॉर्नस्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड यू गेट ग्लूकोज. देन एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, ठीक है, मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है. लाइक आई टोल्ड यू, स्टमक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है बिकॉज इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, जिसके बिना आपकी स्टमक की एंजाइम्स काम नहीं कर सकती एंड इट इज़ यूज्ड एज अ लैब एजेंट, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सम क्वेश्चंस. बड़ा टिपिकल आपको क्वेश्चन आता है कि कोई भी मेटल है जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है. सो सिंस इट्स अ टिपिकल एसिड सो यू कैन हैंडल सच क्वेश्चंस. जैसे सोडियम है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद HCl, इट विल गिव यू व्हाट, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस एंड देन यू कैन बैलेंस इट. तो बहुत टिपिकल प्रॉपर्टीज है इसकी मेटल्स की, दैट क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट रिएक्ट्स विद मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस. काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपके NCERT में है कि जब HCl आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता, व्हाई डज इट फॉर्म NaCl2, बिकॉज कैन यू सी देयर इज अ H2 गैस प्रेजेंट हियर. तो ये हाइड्रोजन गैस जो है क्या करेगी, इट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, ठीक है, राइट. क्योंकि अगर फेरिक क्लोराइड बनना है तो आयरन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है और वो इसकी H2 गैस ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी, ठीक है. इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक यू नो, ठीक है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ HCl. नाउ लेट्स, ओके सो नाउ लेट्स लुक एट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स, ठीक है. हैलोजन्स में क्लोरीन एक सोल ऐसा एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF. रीजन बीइंग कि वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इतना छोटा है कि साइज इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, ठीक है. बाकी हैलोजन्स काफ़ी सारे एसिड्स बनाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन. यहाँ आप Cl की जगह ब्रोमीन, आयोडीन भी डालोगे तो सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है. सो फर्स्ट इज HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, डायरेक्ट नाम भी आ सकता है. आपने याद रखना है जब आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन बना रहे हो, एज यू कैन सी हियर, जो आपका हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली क्लोरीन से बॉन्डेड नहीं है, इट इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ठीक है. तो एक तो आपको OH बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा. सो दिस इज HOCl, देन HClO2, दिस इज क्लोरस एसिड, ठीक है, राइट. सो इसमें मैंने आपको ऐसे क्यों लिख के दिखाया, दिस इज शोइंग द बॉन्डिंग HOClO, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फर्दर क्लोरीन के साथ दूसरा ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, ठीक है. सिमिलरली द थर्ड वन इज क्लोरिक एसिड HClO3 या HOClO2, ठीक है. सो अगेन जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, राइट, एंड क्लोरीन से रिमेनिंग टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं. एंड देन यू हैव परक्लोरिक एसिड HClO4 या HOClO3, सो विच मीन्स क्लोरीन से तीन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन क्लोरीन और हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. क्या लॉजिक याद रखना है आपने, क्लोरीन से जो है हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू इनडायरेक्टली क्लोरीन से अटैच्ड है थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन बच जाएंगे वो आपने डबल बॉन्ड से क्लोरीन से जोड़ देने हैं, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉमन लॉजिक. उसके बाद द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑक्सो एसिड इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स. ओके, सो नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स, ठीक है. सबसे पहले हम दो केस हैं इसमें. पहला केस देखते हैं कि इसमें हम
हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रख रहे हैं, दैट इज वी आर टेकिंग डिफरेंट हैलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सो इसमें क्या ट्रेंड होएगा, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड, व्हाई, बिकॉज इसका रीजन क्या होएगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, क्लोरीन का जो पुल है, क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, क्योंकि इन तीनों में से क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सबसे ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जब इधर से खींचेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव का रिलीज होना बहुत आसान हो जाएगा। ऑन कंपैरिजन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका पुल जो है कम है और आयोडीन का सबसे कम है, तो सबसे आसानी से H पॉजिटिव कहाँ से रिलीज होगा, क्लोरीन से, फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड फॉलोड बाय आयोडीन। और जितनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज होता है किसी कंपाउंड से, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड, राइट। अब हम आते हैं अपने सेकेंड केस में, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको जेई में आया हुआ है, ये आपको नीट में आया हुआ है, ये आपको बोर्ड्स में आया हुआ है। इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसमें आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट लगता है एसिड बेस का, ठीक है। व्हाट इज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट इज कि जो स्पीशीज अपना एच पॉजिटिव आयन लूज कर सकती हैं दे आर एसिडिक, ठीक है, और जो H पॉजिटिव आयन गेन करती हैं दे आर बेसिक। नंबर टू, जब कोई चीज़ अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है एसिड, तो वो जो बन जो रह जाता है उसमें वो उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। ऑन द अदर हैंड जो एक बेस है अगर वो H पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, ठीक है। नंबर थ्री जो इस कॉन्सेप्ट में था, क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब वो H पॉजिटिव आयन लूज करके कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होएगा, ठीक है। सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, अ वीक एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नाउ अगर मैं हैलोजन एसिड ले रही हूँ जिसमें मैं हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज करते जाती हूँ उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें या ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने अरेंज की है ऐसे, अब इसका रीजन समझिए, ठीक है। जो HClO4 है इट इज़ एन एसिड, जब वो H पॉजिटिव आयन लूज कर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ClO4 नेगेटिव, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। सिमिलरली HClO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ClO3 नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से H पॉजिटिव गया तो क्या बन गया, ClO2 नेगेटिव, और यहाँ से गया तो क्या बन गया, ClO नेगेटिव, ठीक है। नाउ इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, हियर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर्स, दिस इज AB4 ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, AB3 ट्राइगोनल, ठीक है, राइट। दिस इज योर एंगुलर एंड ये आपका लीनियर। नाउ इफ यू लुक हियर, ठीक है, अगर आप इसको देखिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज चार बॉन्ड्स में चार ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे तीन कर रहे हैं, यहाँ पे दो कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड में है, ठीक है। सो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, या उससे कम और सबसे कम, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा, ठीक है। मैंने आपको 11th में ऑर्गेनिक में बताया था कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा चार्ज होती है उतनी अनस्टेबल होती है, जितना कम उस पर चार्ज होता है उतनी स्टेबल होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इफ़ यू सी जो चार्ज है वो मिनिमम है, सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी कम होती जा रही है एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टेबल है, तो इसकी टेंडेंसी जो है अब वो एच पॉजिटिव आयन लेने की नहीं रहेगी, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ वीक बेस। सिंस इट्स मोस्ट स्टेबल इट विल नॉट हैव अ टेंडेंसी टू टेक और टू एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये बेस का काम नहीं करेगा, सो इट इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट बेस, ठीक है। एंड सिमिलरली
यहाँ पे जो लीस्ट स्टेबल है मतलब बिल्कुल भी ये रह नहीं सकता, तो ये फटाफट एच पॉजिटिव आयन लेगा। तो जो एच पॉजिटिव आयन लेता है वो क्या होता है, बेस होता है, ब्रॉन्ज स्टेट। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्योंकि सबसे कम स्टेबल है, सबसे आसानी से एच पॉजिटिव आयन ले रहा है। वेयर एज ये क्योंकि इसमें पर ऑक्सीजन चार्ज सबसे कम है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये एच पॉजिटिव आयन लेना नहीं चाहेगा, मतलब बेस एक्ट करना नहीं चाहेगा। इट्स अ वीकेस्ट बेस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लारी कॉन्सेप्ट में, क्या पॉइंट पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक बेस, और वीक एसिड का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। तो अगर ये वीकेस्ट बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, HClO4, ठीक है। और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, HClO नेगेटिव का, HClO, वो वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट एसिड। सो एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, दैट इज व्हाई दिस ट्रेंड इज देयर, ठीक है, राइट। एक बार हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हैलोजन एटम का ऑक्सीजन स्टेट सेम है। सो वॉट इज गोइंग टू डिसाइड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज्यादा वो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। सो उतना ज्यादा आसान हो जाएगा एच पॉजिटिव का भाग जाना, ठीक है, राइट। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है एच पॉजिटिव का रिलीज होना मुश्किल हो रहा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। सो दिस वॉज द ट्रेंड। ये वाला केस क्या था, हमने एक ही हाइड्रोजन एटम लिया है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज कर दी है, ठीक है, राइट। सो उसमें ये ट्रेंड है, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले उनके हमने कॉन्जुगेट बेस निकाले, कैसे एच पॉजिटिव हटा दिया तो उससे कॉन्जुगेट बेस आ गए। अब देखा कॉन्जुगेट बेस में इसमें सबसे पर ऑक्सीजन सबसे कम चार्ज आ रहा है क्योंकि यहाँ चार ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर रही है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बेस था, मतलब सबसे वीकेस्ट बेस था, राइट, क्योंकि सबसे स्टेबल आयन था तो इसकी टेंडेंसी नहीं थी बेस एक्ट करने की या एच पॉजिटिव लेने की। सो सिंस इट्स द वीकेस्ट बेस दैट मींस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम लॉजिक लगाया कि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन उस चार्ज को हैंडल कर रही है, सो दिस इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है दैट मींस सबसे फटाफट ये एच पॉजिटिव लेगा, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, वीकेस्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड, HClO4 इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। सो इफ यू टेक आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट यू रियलाइज जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ, सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, देन यू शुड know your interhalogen compounds at the back of your hand, structures are very very important, ठीक है। So in the next video lecture we are going to talk about group 18, ठीक है, again a very very easy topic, ठीक है। So meanwhile make notes of this, video को pause कर लीजिए या screenshot ले लीजिए, notes आपने बहुत ध्यान से बनाने हैं, आपको किसी book की कोई reference book की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टिल रीड ओनली रीड योर NCERT फॉर बी ब्लॉक, एक्सलेंटली रिटन बुक, ठीक है। सो मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।